गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ श्वेता, सीनियर नर्सिंग ट्यूटर फ्रॉम RPMS बस्तारा करनाल। आज की YouTube वीडियो के टॉपिक हैं वॉल्व डिसफंक्शंस ऑफ द हार्ट। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन्हें। पहला है आपका एरोटिक रीगर्जिटेशन। एरोटिक रीगर्जिटेशन इज़ अ कंडीशन ऑफ एरोटिक वॉल्व जिसमें आपका एरोटिक वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं होता तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स हैं सिफिलिस, एंकुलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस। क्रोनिक एरोटिक रिगर्जिटेशन के कॉज है एंट्रिक हाइपरट्रॉफी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डांसिंग कैरोटिड होगी, कॉरिगन पल्स फील होगी पेशेंट की, पल्मनरी एडिमा एंड ऑर्थोपनिया। साइन क्या है? हेड बॉबिंग होगा क्योंकि एरोटिक रिगर्जिटेशन हो रहा है। म्यूलर साइन, गडहर्ट साइन एंड रोसेनबैक साइन होगा। अर्ली डायग्नोस्टिक मर्मर्स फील होंगे, मिड डायस्टोलिक मर्मर्स जिसे हम ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर भी कहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन ECG करेंगे जिसमें आपको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिलेगी। IOG कर सकते हैं, ECO कर सकते हैं। और लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है आपके पास? विद इन 1 ईयर आपको वॉल्व रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा पेशेंट का। नेक्स्ट आता है एरोटिक स्टेनोसिस। ये बायोमॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन है। पीडियाट्रिक में से बाइकस्पिड वॉल्व अफेक्ट होता है और ओल्ड एज में स्टेनोसिस के वजह से, मतलब बेसिकली सॉरी स्टेनोसिस होता है कैल्सिफिकेशन की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इनका सिंकोपल अटैक आ सकता है, एंजाइना हो सकता है एंड डिस्निया, एनाक्रोटिक पल्स, पल्सस पैरावस एट टार्डस और कैरोटिड थ्रिल फील होता है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होती है। इन्वेस्टिगेशन में CT चेस्ट करवाएंगे, सीवियर एरोटिक ऑरिफिस मिलेगा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 0.6 सेंटीमीटर पर मीटर। ट्रेडमिल टेस्ट एंड स्ट्रेस ECO टेस्ट करते हैं और ट्रीटमेंट है स्टेज के अकॉर्डिंग आप ट्रांसकैटेटर एरोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट पेशेंट की करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। इट इज़ एसोसिएटेड विद कैरकोनेट सिंड्रोम, एप्सटीन एनोमली, कंजनाइटल एनोमली, नेक पल्सेशन होगी, असाइटिस और हिपैटोमेगैली, सिस्टोलिक लिवर पल्सेशन होगी, जुगलर वेन पल्सेशन एब्सेंट हो सकती है, डिसेंट सी वेव प्रेजेंट होगी, लेसन साइंस बोलते हैं, स्लीव वाइड डिसेंट होता है, पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है विच इंक्रीज विथ इंस्पिरेशन। आप ECO करवा सकते हो। लास्ट ऑप्शन क्या है? वॉल्व को रिपेयर करना पड़ेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व को। नेक्स्ट है आपका मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स डिफेक्ट इन टाइप 3 कोलेजन की वजह से होता है। फीमेल्स में 15 to 30 years एज में होता है। एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन आपको पैल्पिटेशन सिंकोप अटैक आ सकते हैं। ECG में प्री मेच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस मिलता है, मिड सिस्टोलिक क्लिक होता है, लेट सिस्टोलिक मर्मर होता है आपका, उसके साथ मर्मर लॉन्गर होता है स्टैंडिंग पे। IOC कराएंगे तो आप ट्रांसथोरेक्सिक कराएंगे तो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा बल्ज प्रेजेंट होगा और ECO कार्डियोग्राम करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिट्रल वॉल्व। इसमें मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है कि आपको मिट्रल वॉल्व रिपेयर करना पड़ता है। अगर हम समराइज करें तो किसी अगर रिगर्जिटेशन भी है या प्रोलैप्स है या स्टेनोसिस भी है वॉल्व के, ये तीनों ही कंडीशन बेसिकली क्या करती है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड को मिक्स करती है। तो पेशेंट हाइपोक्सिक कंडीशंस, इसके साथ ही अबनॉर्मल मर्मर साउंड हर्ट में प्रोड्यूस होती है और ECG चेंजेस एंड ECO चेंजेस से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कंजेनाइटल है तो आपके पास ऑप्शन है कि बच्चे वॉल्व रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट थेरेपी होती है इन्वॉल्व डिफॉर्मिटीज को ठीक करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल RPIT Academics। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।